ये डिजाइन बनाने के लिए आप 16 के मल्टीपल फंदे लेकर एक फंदा एक्स्ट्रा लेकर बना सकते हैं, और ये आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं नेटिंग का। अब देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतार रहे हैं, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए दो फंदे सीधी, देखिए एक और ये दो, इस तरीके से बिननी है। धागा अपनी ओर चार फंदा उल्टा, एक दो तीन अरे चार, इस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए फिर तीन फंदे एक साथ तीन का एक, इस तरीके से बनानी है। अब चार फंदे उल्टी, एक दो तीन चार, धागा पीछे दो फंदे सीधी, एक अरे दो, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी। इसी बात को रिपीट करनी है, देखिए इधर स्टिच का एक फंदा और एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, इसी 16 फंदे को आपको बार बार रिपीट करनी है। फिर से देखिए धागा अपनी ओर दो फंदा सीधा, एक और ये दो, धागा अपनी ओर एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे तीन का एक, फिर से चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, धागे पीछे दो फंदे सीधी, एक और एक दो, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, लास्ट का एक फंदा भी सीधा, इस तरीके से बनाइएगा रो वन। अब फिर देखिए रो टू, रो टू इसकी उल्टी साइड, इसकी उल्टी साइड में हम सारी फंदे उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए उल्टी साइड उल्टी उल्टी बीनने के बाद अब फिर हम इसकी सीधी साइड बीनते हैं। रो थ्री में फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर एक फंदा सीधा जाली वाला। अब देखिए जाली डालते हुए फिर से दो फंदे सीधी, इस तरीके से। अब धागा अपनी ओर चार फंदा उल्टा, अब फिर देखिए तीन फंदे तीन का एक, उल्टी भी नहीं बेल लेना है, इस तरीके से। अब फिर देखिए एक दो तीन, अब धागा पीछे दो फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक दो तीन, तीन फंदे सीधी, धागा अपनी ओर फिर जाली डालते हुए एक दो, दो फंदे सीधी, फिर से एक दो तीन, तीन फंदा सीधा, तीन फंदा तीन का एक, फिर से तीन फंदा उल्टा, एक दो तीन, धागे पीछे दो फंदे सीधी, एक और एक दो, धागा अपने ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, लास्ट का दो फंदे भी सीधी, इस तरीके से बनाइएगा रो थ्री सीधी साइड से। अब देखिए रो फोर उल्टी साइड, उल्टी साइड में हम सारी फंदे उल्टी उल्टी बीनते हैं।
उल्टी साइड उल्टी उल्टी बेलने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड, रो फाइव सीधी साइड, इसकी सीधी साइड है और बहुत ही सुंदर डिजाइन बनकर आता है। देखिए फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, एक फंदा सीधा और ये जाली वाली फंदे भी सीधी, धागा अपनी ओर दो फंदे सीधा। अब देखिए दो फंदे उल्टा, तीन फंदे एक साथ तीन का एक, ये हम तीन फंदे एक साथ इधर नीचे से एक ही लाइन में बना रहे हैं। और देखिए फिर दो फंदे उल्टे, धागे पीछे दो फंदे सीधे। अब फिर देखिए धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधे, इस तरीके से बनानी है। अब देखिए फिर इधर एक दो तीन चार, चार फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, फिर दो फंदे सीधी, धागा अपनी ओर, दो फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे एक साथ तीन का एक, दो फंदे उल्टा, फिर धागे पीछे दो फंदे सीधा, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए जाली वाले फंदे सीधे, और लास्ट का तीन फंदे है इसमें सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा रो फाइव सीधी साइड। अब देखिए रो सिक्स इसकी उल्टी साइड, उल्टी साइड में हम सारी उल्टी उल्टी बिनेंगे। बहुत ही आसान है ये डिजाइन, आप निटिंग का किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। उल्टी साइड पूरी करने के बाद फिर हम इसकी सीधी साइड बनाते हैं। रो सेवन इसकी सीधी साइड, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, फिर देखिए दो फंदे सीधी, जाली वाले फंदे भी सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए दो फंदे सीधी। अब देखिए धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, तीन फंदे एक साथ तीन का एक, फिर एक फंदा उल्टा, अब देखिए दो फंदे सीधा, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए बीच का फंदा सीधा बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा सारी सीधी सीधी बुनकर। अब ये जाली वाले फंदे भी सीधी बनानी है, फिर से धागा अपनी ओर जाली डालते हुए दो फंदे सीधी, धागा अपनी ओर एक फंदा उल्टा, तीन फंदे एक साथ तीन का एक, उल्टी साइड से बनानी है। अब देखिए फिर एक फंदा उल्टा, धागे पीछे दो फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदा सीधा और बाकी का फंदे आपको सीधी सीधी बनानी है, लास्ट का फंदे भी आप सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा। अब देखिए रो एट इसकी उल्टी साइड, इसकी उल्टी साइड में हम सारी फंदे उल्टी उल्टी बनाएंगे। देखिए सारी फंदे इसी तरीके से बनाइएगा उल्टी बिनकर। रो एट पूरी करने के बाद अब फिर देखिए इसकी सीधी साइड रो नाइन में, फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है, एक दो तीन और एक जाली वाले फंदे भी सीधी बनानी है, फिर से आपको जाली डालना है और दो फंदे सीधी बनानी है। अब फिर देखिए तीन फंदे एक साथ तीन का एक, फिर से दो फंदे सीधी, एक और एक दो, इस तरीके से धागा अपनी ओर जाली डालते हुए। अब देखिए ये बीच का सीधा वाला फंदा पूरी आपको सीधी सीधी बनानी है। देखिए ये जाली वाले फंदे भी आपको सीधी बनानी है, धागा अपनी ओर जाली बनानी है और फिर दो फंदे सीधी, धागा अपनी ओर तीन फंदे एक साथ तीन का एक, धागे पीछे दो फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए सारी फंदे सीधी सीधी बनानी है लास्ट का, और लास्ट फंदे भी आपको सीधी सीधी बनानी है। देखिए इस तरीके से बनाइएगा रोटे इसकी उल्टी साइड, इसमें हम सारी उल्टी उल्टी बनाएंगे उल्टी साइड से।
उल्टी साइड पूरी करने के बाद अब देखिए इसकी सीधी साइड, ये इसकी सीधी साइड है। अब देखिए इधर हमारा फिर डिजाइन शुरू होता है रो वन से। फर्स्ट फंदे बिना बिना उतारना है धागा अपने और चाली डालते हुए दो फंदे सीधी, धागा अपने और चार फंदा उल्टा, एक दो तीन चार, फिर तीन फंदे एक साथ तीन का एक, फिर चार फंदा उल्टा, एक दुई तीन चार, फिर दो फंदे सीधी एक और एक दो, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए एक फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली डालते हुए दो फंदे सीधी, धागा अपनी ओर एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, फिर से तीन फंदे एक साथ तीन का एक, उल्टी मिले बीनते हुए, और फिर देखिए एक दो तीन चार, चार फंदा उल्टा, दो फंदे सीधी, धागा अपनी ओर जाली बनाते हुए लास्ट का दो फंदे सीधा। इस तरीके से इसी बात को रिपीट करते हुए इसका ऊपर बनानी है और आपका ये डिजाइन बनकर आता है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है, आप नीटिंग का किसी भी प्रोजेक्ट में डालिएगा। और दीपा नीटिंग चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं हो तो। आज के लिए विदा होती हूँ, धन्यवाद।